हॉकी डिपार्टमेंट ने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है वो काबिले सताइश है। यानी शजरकारी, यानी दरख्तों से मोहब्बत, दरख्तों की अहमियत, ये जब हम पढ़ते थे उस वक्त बॉटनी का पता नहीं था, बायोलॉजी कहते थे। मैं 1986 की बात कर रहा हूँ जब हम मैट्रिक में थे। मतलब कह कौन रहा है जिसने पूरी दुनिया बनाई है वो ये कह रहा है। फिर उसके बाद अगर ब्यूटी की बात होती है तो ब्यूटी में रहने के लिए प्लेस हमारे पास सबसे अच्छी जन्नत, तो जन्नत में ये तो कहीं नहीं कहा कि इस तरह के शहर होंगे, इस तरह के वहाँ पे कहते हैं कि इस तरह के फलों के, अंगूरों के खोशे होंगे, सेब होगा, अनार होगा। मतलब ये है कि जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे ब्यूटी है, ठीक है। और इस तरह एक शेर है कि कल रात जो ईंधन के लिए कटा था, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पौधे लगाने वाले हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो जो प्लांट्स हैं ये लंग्स है भाई हमारी, कार्बन मिट करते हैं, ये सिंक क्या होगा किसी भी जगह के लिए, किसी भी मुल्क के लिए ऑलमोस्ट 20-25% जो है वो प्लांट्स हो रहे थे हमारे पास, आई थिंक। और फिर जब मैंने उसका डेट देखी कि किस दिन हो रहा है, तो ये 14 फरवरी था, तो मुझे समझ आई इन द हार्ट ऑफ नेचर। तो मैंने कहा चलो आज हम हार्ट के लिए एक पौधा लगा देते हैं, प्लांटेशन करने के लिए आज के दिन में। राम साथियों की गुफ्तगू सुन रही थी, वो पौधों के माहिर हैं, उस हवाले से उन्होंने अपने सब्जेक्ट के हवाले से भी बात की, जन्नत भी की। तो मेरा इन पौधों के हवाले से वो बनाया जब दुनिया तकी थी तो सबसे पहले अगर लिबास की, जैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहते हैं लेट्स सपोज एक्स, इस तरह एक्सपोज करते हैं कि हर गली में फलदार दरख्त लगे हुए, हर घर के आगे एक फलदार दरख्त हो, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये सिर्फ सोचा नहीं जा सकता, ऐसा प्रैक्टिकली भी हो सकता है। कैसे? बस ये कि हर घर अपने दरवाजे के सामने एक फलदार दरख्त लगा ले। जब हर घर में होगा तो इसका मतलब है कि पूरे मोहल्ले में होगा, फिर क्या होगा, पूरे शहर में होगा। अच्छा बताएं, अगर ऐसे हो तो क्या हमें फलों की डेफिशिएंसी का सामना हो? नहीं होगा ना, क्योंकि हर घर में तो पहले से ही फल लगे हुए हैं। चलें, यहां तो हम सिर्फ सपोज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है भी, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा है भी। कुछ दिन पहले मैं गया था हमजा, तो वहां हर घर में एक फलदार दरख्त था, एक नहीं कई किस्म के दरख्त थे, और उन्होंने कहा कि हर मौसम में हमारे पास इतना फल होता है कि हम यहाँ पे कभी फल खरीदते ही नहीं। Today's seminar. She is the most senior researcher. She is an active, energetic, and cooperative educationist. I am really thankful to our guest of honor, Madam Nihana Kamran, Principal for the Graduate College for Women, Hajipura Siyadkot, and Madam Gulzi, Principal for the Nawaz Sheikh Associate College for Women Siyadkot, for sparing their precious time to grace this event. We are in the depth of our today guest speakers, Dr. Bhatt Sahib, Department of Urdu from Government College Women University Siyadkot,
एंड डॉक्टर जाहिद डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इज आल्सो बिलोंग टू गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सालपुर फॉर एनलाइटनिंग अस अबाउट द डायर नीड ऑफ डी एंड टी पाकिस्तान कैंपेन एंड पाकिस्तान प्लांटेशन आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर साजिद हुसैन देसाई for facilitating us for this campaign by campaign in our college and motivating our students in the best possible way. We know plants are a real source of life because these plants provide oxygen, which is the change our mindset as a nation. Protecting our environment is not a choice. It is necessary. For clean and green Pakistan, we need to play our part. We need to aware our youth about the green clean Pakistan. I feel very honored to have all the wonderful guests who guided our students in the best possible way with my team and proud of them for organizing such a knowledge oriented seminar for our students who will prove as a change bringer in their lives. And today they have realized and understood the importance of green and clean Pakistan. I would like to thank again the respected guest seminar. I am also thankful to the President as a coordinator, our VS programs, Madam Nutral, Madam Mahavati Sahiba, she is awesome problem, she is not giving this seminar. I'm also thankful to Madam Sahiba, Madam Zaida Sahiba, Madam Salma Hoshi Sahiba, Madam Ansa Sahiba, Madam हिस्सा डालें और पाकिस्तान में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं।